वेलकम टू माय चैनल जीतू सुपरविजन में आपका स्वागत है भाइयों। आज काफ़ी दिन बाद भाइयों के काफ़ी कमेंट आ रहे हैं यार, जीतू भाई अपने कबूतरों का थोड़ा बच्चों का वगैरह का शौक करवा दो। तो मैं भी आया था लोफ्ट में, तो मैंने सोचा चलो भाइयों को शौक कराते हैं, थोड़ा इन्जॉय हो जाएगा भाइयों का। कुछ बच्चे वगैरह दिखाता हूँ मैं आपको, ठीक है, जो भी बच्चे निकले अपने तो दिखाता हूँ। पहला तो देखो बच्चा ये है, ठीक है दोस्तों, देखो पहला बच्चा ये है, ये मकोई आँख का बच्चा है, ठीक है। ये इसके पैर में भी छल्ला डला हुआ है और ये इसके पल्ले हैं, देख सकते हैं आप, और है इसके ये बच्चा है, ठीक है जी, ठीक है दोस्तों। ये एक बच्चा है, ठीक है, ये देखो, ठीक है जी। अभी आपको दिखाता हूँ और बच्चे दूसरे, दूसरा बच्चा देखो दोस्तों ये है, कच्ची पीली आँख का बनेगा ये, ठीक है, देख सकते हो आप ये, मैं बच्चों को ज़्यादा हाथ नहीं लगाता तो ये इसलिए थोड़े से हो रहे हैं, देख सकते हो आप ये बिल्कुल कच्ची पीली आँख का बनेगा, ठीक है। ये हमारे धन्य वाले जोड़े का बच्चा है, मैं दिखाता हूँ उसको ठीक से आपको, कोशिश करता हूँ कि ये थोड़ी सी ठीक से दिखे ये, जी भाई दोस्तों। ये कुछ अपने घर के बच्चे निकले, इस लॉफ्ट के बच्चे दिखाता हूँ आपको, फिर सेकंड लॉफ्ट के कभी दोबारा दिखाएंगे आपको। तो ये देखो सभी बच्चे निकले हैं, अभी नए बच्चे, छोटे बच्चे देख सकते हो, ये सारे बच्चे हैं, ये इधर बच्चे हैं, ये देखो ये सभी बच्चे हैं, ठीक है दोस्तों, ये देख सकते हो, ये भी सभी बच्चे निकलवाए हमने। और ये कुछ नीचे बच्चे रहे, ये देखो, देखो। तो कई भाइयों का कमेंट आया था जी तो भाई बोर हो गए, कुछ वीडियो वगैरह दिखाओ बच्चों वगैरह की, तो मैं कहा चलो भाइयों का शौक हो जाएगा। ये देखो ये बच्चे हैं, ये सेकंड लॉफ्ट के बच्चे हैं, फिर मैं आपको थर्ड लॉफ्ट के भी कभी दिखाऊंगा, ठीक है जी। ये सभी बच्चे निकले हुए हैं, ये देख सकते हो, एक वो बच्चा देखो पीछे लाल रत्ता, देखो इसकी आंख, देखो इसके पैर, देखो बिल्कुल बिल्कुल जेट ब्लैक, ठीक है। ये बच्चे हैं सभी, ऑलमोस्ट सभी बच्चों के पैर में रिंग है, ठीक है जी। ये एक बच्चा है हमारा येरा, इसकी आँख फूट गई थी बचपन में ही, किसी कबूतर ने इसको मारा था और इसकी आँख फूट गई थी, तो इसको भी मैंने बचाया है, बड़ी मुश्किल से बचाया ये, ये देख सकते हो सभी बच्चे हैं, ये देखो। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आएगी, ठीक है दोस्तों। छोटे बच्चे हैं देखो, ये छोटे हैं बच्चे भी, इनके नीचे जोड़ा, ये जोड़ा है, ये जोड़ा है, ये सामने ये बच्चे हैं, ये बच्चे हैं, उधर बच्चे हैं, उधर बच्चे हैं, काफ़ी बच्चे हैं छोटे भी, जो छोटे हैं वो बड़े होंगे तो उनका भी शौक करवाएंगे आपको, ठीक है दोस्तों। पहले आप इनका शौक करो, आप बताओ वीडियो में कि आपको बच्चे कैसे लगे, कमेंट करके ज़रूर बताना, ठीक है।
और इनमें सभी नस्लों के बच्चे हैं। ठीक है जी, ये देखो सभी नस्लों के बच्चे हैं इसमें। जिस भी भाई को वीडियो अच्छी लगी वो शेयर कर दें, लाइक कर दें और कमेंट ज़रूर करें, अपनी राय ज़रूर बताएं उनको बच्चे लगे कैसे हैं। ठीक है जी, ये बच्चे हैं, बच्चे अभी और हैं, वो देखो नीचे ही दिख रहे हैं आपको, उधर हैं बच्चे, वो बैठे। अभी ये बच्चे जैसे बड़े होंगे, अभी फर्स्ट लॉफ्ट है, सेकंड लॉफ्ट है, उनके भी बच्चों का शो करवाऊंगा मैं आपको। ये सभी बच्चे हैं और देख सकते हो, और वीडियो कैसी लगी भाई कमेंट करके ज़रूर बताना। सभी भाइयों का बहुत बहुत शुक्रिया कि आप हमारी वीडियो को देखते हैं और लाइक भी करते हैं, ठीक है ना। सबसे अच्छी बात तभी मज़ा आता जब आप कमेंट करते हो, आप बताते हो कि हाँ जी तो भाई आपके घर के बच्चे कैसे लगे या क्या था, ठीक है ना। कमेंट करके ज़रूर बताना सब भाई कि आपको ये बच्चे कैसे लगे, फिर आपको फर्स्ट लॉफ्ट का शो कराएंगे कभी, और फिर आपको कराएंगे थर्ड लॉफ्ट का। ये सेकंड लॉफ्ट के बच्चे हैं सारे, ठीक है जी। ये देखो उधर भी हैं बच्चे, नीचे ये छोटे बच्चे यहाँ पे भी हैं, यहाँ पर भी हैं, नीचे वाले में भी हैं, उधर है जोड़ा, इसके अंडे रखे हैं भी। इस जोड़े का बच्चा मैं आपको दिखाता हूँ, ये बच्चा है इस जोड़े का, सामने जो बैठा है। सारे जोड़े, सारे बच्चे हमारे रिजल्टेड होते हैं, क्योंकि हमने सभी कबूतरों के जोड़े जो है उड़ा के ही लगाए थे। ठीक है दोस्तों, वीडियो कैसी लगी ज़रूर कमेंट करके बताना, और आपको हमारे चिक्स कैसे लगे इनके बारे में भी अपनी राय ज़रूर देना, ठीक है ना। और ज़्यादातर मेरे जो बच्चे हैं वो कल परे निकले हुए हैं, जिसका मुझे बहुत ज़्यादा क्रेज चढ़ा हुआ है इस टाइम पर, क्योंकि मेरे को कल सरे 7 परे काले 10 परे कालों का काफ़ी क्रेज़ है। तो ऊपर वाले ने भी हमें वैसे ही बच्चे दिए, लेकिन ये कोई वो इत्तफाक ही है भाई, ये कोई मतलब कोई वो नहीं है कि मैं कह दूं कि मैंने ये जोड़ा लगाया था, ये इस तरीके से मैंने जोड़ा सेट किया तो ये ऐसे काले परे बच्चे निकले हैं या कल परे बच्चे निकले हैं, ठीक है ना। क्योंकि कुछ लोग तो कहते हैं कि यार हमने जोड़ा ऐसे लगाया, जब ये जोड़े के बच्चे ऐसे बने, ऐसा कलर बना, तो ऐसा कुछ नहीं है, ये ऊपर वाले की मर्ज़ी से निकलते हैं, कोई भी कलर निकल जाए तो ये हमारे जो बच्चे निकले हैं सब ऊपर वाले की मर्ज़ी से निकले हैं। कोई हमने इसमें ये नहीं किया कि हमने कोई ऐसा जादू लगाया इनमें कि ये काले परे निकलेंगे, तो ये होता भी नहीं है, जनरली ऐसा होता भी नहीं है। लोग वहाँ कह देते हैं कि हमने ऐसे जोड़े सेट किए थे तो इसलिए ये बच्चे ऐसे ऐसे कलर के निकले, तो ऐसा कुछ नहीं होता, ठीक है ना। बच्चा अपनी ऊपर वाले की कृपा से ही निकलता है, कैसा भी निकले, लेकिन नस्ल वाला होना ज़रूरी है, कलर उसका कैसा भी हो, उड़ान होनी बहुत ज़रूरी है। तो देखो कितने सारे कल सारे बच्चे निकल रहे हैं, ये है दो, ठीक है, एक वो कल परा बच्चा बैठा देखो ईंट के ऊपर, एक वो पीछे है, एक ये पट्टी है तो हमने उड़ा भी ली है, ये दो बच्चे ये हैं, ठीक है। और फर्स्ट वाले लॉफ्ट में भी 8-9 बच्चे ऐसे हैं जिनके पर ऐसे काले हैं, तो मुझे अच्छे लग, जैसे ये देखो ये फिक्का है, ये मेरे को इस तरह के मेरे को बहुत पसंद है, और ये ऊपर वाले की दुआ से निकल भी रहे हमारे पास। कोई ऐसा एक्सपेरिमेंट नहीं किया हमने, एक बच्चा ये है कि भाई ये हमने जोड़े सेट किए थे तो ऐसा बना, और ऐसा होता भी नहीं है, ठीक है। आप जितने मर्जी जोड़े सेट कर लो, जो कलर निकलना है वो ऊपर वाले के हाथ में, ना कि हमारे हाथ में, ठीक है ना दोस्तों। तो देखो ये कलर के बच्चे मेरे पास बने हैं और मुझे अच्छे लगते हैं ऐसे कलर के बच्चे, ठीक है। मोस्टली भी बच्चे के पैर में रिंग है, एक दो बच्चे के पैर में रिंग नहीं होगा, क्योंकि मैं भूल गया जब मैंने, ये जैसे ये बच्चा है इसके पैर में रिंग नहीं, मैं डालना भूल गया, ठीक है। बाकी तो सभी के पैरों में है, और अब ये रिंग डल नहीं सकता, ठीक है ना। ये 8 दिन के बच्चे के पैर में ही डलता है, अब ये डल भी नहीं सकता, तो ये बच्चे ऐसे ही रहेंगे मेरे पास, ठीक है। और वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताना, वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद है सभी भाइयों का। ये इधर बच्चे हैं छोटे, जो बड़े होंगे तो दिखाएंगे इनको भी, ठीक है। ये बच्चे हैं, ये भी देखो इसमें भी एक कलसरा निकलेगा, ये मेरा कबूतर बैठा है, इसमें एक सफ़ेद बनेगा, कलसरा बनेगा, और इसमें भी एक कलसरा है, देखो ये रहा,
है ना। तो ये चीज़ें ऊपर वाले के हाथ में है, ना कि हमारे हाथ में है। आप जैसे मर्जी जोड़े सेट कर लो, वो नहीं हो सकता कि आपकी मर्जी से कलर बनेगा, ऐसा कभी नहीं होता। और जो बंदे कहते भी हैं ना कि हमने अपनी मर्जी का कलर बनाया है, ऐसा कभी नहीं हो सकता। मैं नहीं मानता इस चीज़ को, क्योंकि जो चीज़ है, कई बार ऐसा होता है, देखो मैं आपको अभी दिखाता हूँ, मेरे पास एक जोड़ा है, कहाँ गया, ये जो कबूतर है देखो, ये लाल चीना कबूतर है ना, इसका बच्चा देखो, ठीक है। अब क्या बोलोगे आप इसको कि ये मैंने जोड़ा लगा कि काला बच्चा निकलवाया, तो ऐसा नहीं हो सकता, कभी नहीं होता। ये अपनी मर्जी से ही निकलते हैं ऊपर वाले की वजह से, ठीक है। तो बच्चे आपको कैसे लगे ज़रूर कमेंट करके बताना, और सभी भाइयों का वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।